84 के दंगों में कल्याणपुर में मारा गए 63 सिखों को दिल्ली सरकार बचा रही है, ये आरोप है शिरोमणि अकाली दल का। हमारे साथ मनजीत सिंह जीके जी है। जीके जी, आपने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार कल्याणपुर में जो लोग मारे गए थे उनको बचा, उनके आरोपियों को बचा रही है। मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली सरकार ने सीधे तौर पर बचाया, जो मोदी ने SIT बनाई थी, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने 4 चिट्ठियाँ लिखी 2017 में। उनके जो चीफ थे SIT के अनुराग जी, उन्होंने पंकज सांगी जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है दिल्ली सरकार के, कि 63 लोगों का मर्डर हुआ, 17 लोग बुक हुए, सिर्फ 5 मर्डर की बात चली उनके अंदर, और ये सेशन कोर्ट के फैसले को अपील की जाए। वो आगे से जवाब देते हैं, हमारे पास फाइलें गुम है, 84 बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब छोड़ दीजिए इस मर्डर को। मैं ये समझता हूँ कि सीधे तौर पर कांग्रेस से हाथ मिलाया हुआ है, उनको बचाने के लिए, गांधी परिवार को बचाने के लिए। आपने कहा कि सरकार कह रही है फाइलें गुम है, क्योंकि काफी गंभीर मामला है ये, ऐसे में क्या आपको लगता है इतनी गंभीर मामले की फाइलें गुम हो सकती हैं? हम इसीलिए उनको घुराव भी करेंगे और हम रिट पिटीशन डालेंगे कोर्ट के अंदर और इसको लीगल एक्शन भी लेंगे। तो शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि दिल्ली सरकार जो कह रही है कि उनके पास से फाइलें उन लोगों की गुम हो गई है जिनके नाम इस सारे मामले में दर्ज किए गए थे, इसको लेकर अब शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि इस पर रिट पिटीशन भी फाइल होगी, साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव भी किया जाएगा। कैमरामैन अतुल के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।